इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट फॉर ओपन पोर्स यू आर ऑन द राइट वीडियो ओपन पोर्स ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग्स होती हैं और ये ऑयली uh, स्किन में बहुत ज़्यादा होती हैं तो गर्मियों में ओपन पोर्स और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं तो uh, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हैं ओपन पोर्स के लिए ओपन uh, पोर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स भी आपकी स्किन पे काम करेंगे सबसे पहले आप ट्राई कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश तो ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा और इससे ओपन पोर्स थोड़े कम दिखेंगे इसके अलावा आप नाइसिनमाइड बेस्ड टोनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो नाइसिनमाइड भी हमारी स्किन की टेक्स्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और आप ट्रेटेनोइन बेस्ड क्रीम्स भी लगा सकते हैं तो ट्रेटेनोइन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सफोलिएटिंग और ये डेड स्किन को रिमूव करेगा और इससे कोलेजन रिमॉडलिंग होगी और ट्रेटेनोइन बेस्ड क्रीम्स लगाने से आपके पोर्स कम दिखेंगे लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं लैक्टेटिंग हैं या कंसीव करने का सोच रहे हैं तो ट्रेटेनोइन आपके लिए सही क्रीम नहीं है अब इन सब चीज़ों पर तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं क्या होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ट्रीटमेंट्स जो आप डॉर्मोटोलॉजी क्लिनिक्स में करवा सकते हैं अपने ओपन पोर्स के लिए तो इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं ओपन पोर्स के लिए जो आपके पोर्स को श्रिंक करेंगे और आपकी स्किन के टेक्सचर को क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे सबसे पहला सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है ब्लैक मैजिक तो ब्लैक मैजिक में ऐसा होता है कि कार्बन आपकी स्किन में लगाया जाता है आपने देखा होगा कि काफ़ी होम रेमेडीज में भी बेसन या मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए कहते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है और ओपन पोर्स हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बेसन और मुल्तानी मिट्टी में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपकी स्किन से ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और उस वजह से ऑयल जब हटेगा तो पोर्स अपने आप क्लोज लगेंगे श्रिंक लगेंगे और स्किन बेटर लगेगी तो उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट कार्बन भी काम करता है तो ब्लैक मैजिक में कार्बन आपके फेस पे लगाया जाता है और ये कार्बन के अंदर बहुत अच्छी ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बन को फेस पर लगा के कुछ मिनट के लिए छोड़ा जाता है उसके बाद एक लेज़र से इस कार्बन को एक्टिवेट किया जाता है और ये हुआ फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में लेजर से कार्बन को ब्लास्ट किया जाता है तो जब कार्बन को ब्लास्ट किया जाता है कार्बन जैसे आपकी स्किन से हटेगा तो साथ में वो सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ और ऑयल वो सब खत्म होगा आपकी स्किन से आपके पोर्स श्रिंक होंगे साथ ही इन लेजर्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोलाजन रीमॉडलिंग की और इनकी वजह से वाइट हेड्स भी हटेंगे आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा स्किन में ग्लो भी आएगा तो ब्लैक मैजिक एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत एक्ने हैं वाइट हेड्स है, हैं ओपन पोर्स हैं ब्लैक हेड्स हैं और ग्लो की ज़रूरत है और साथ में कोलाजन रीमॉडलिंग होगी तो स्किन का टेक्स्चर और क्वालिटी बहुत अच्छा इंप्रूव होगा नेक्स्ट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ओपन पोर्स के लिए और काफ़ी सारे स्किन इश्यूज़ के लिए यह है डायमंड ग्लो तो डायमंड ग्लो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्सट्रैक्शन एक्सफोलिएशन और इन्फ्यूजन सब कुछ एक साथ किया जाता है स्किन में तो इसमें कुछ ऐसे प्रोब्स होते हैं जो प्रोब का साइज़ आपकी प्रॉब्लम एरिया के हिसाब से डिसाइड होगा और इसके अपने कुछ अ, अच्छे सोल्यूशन होते हैं जो ऐसे कॉकटेल्स होते हैं जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से आपके स्किन के डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करेंगे सिरम को इन्फ्यूज़ करेंगे स्किन में ब्राइटनेस आएगी व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हटेंगे पोर्स क्लोज होंगे तो इसी में डायमंड ग्लो में एक सिरम होता है जो पोर रिफाइनमेंट के लिए होता है और वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है ओपन पोर्स के लिए और हमारी क्लिनिक में हम कई बार दो सॉल्यूशंस uh, भी मिक्स करते हैं अगर एक से ज़्यादा आपका कंसर्न हो तो हम पो रिफाइनमेंट करने के बाद आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए या आपकी पिगमेंटेशन के लिए हम दूसरे ब्राइटनिंग सिरम्स भी इसमें इन्फ्यूज़ करते हैं तो एक्सट्रैक्शन एक्सफोलिएशन और इन्फ्यूजन uh, के साथ डायमंड uh, ग्लो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है uh, आपकी स्किन की पॉलिशिंग के लिए स्किन की ब्राइटनेस के लिए और खास तौर पे आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए अब एक और ट्रीटमेंट जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है ओपन पोर्स के लिए खास तौर पे तो ओपन पोर्स या बहुत शैलो स्कार्स हैं तो उस पर यह ट्रीटमेंट है वैम्पायर फेशियल जो बहुत ही अच्छा काम करेगा तो वैम्पायर फेशियल का नाम वैम्पायर क्यों है क्योंकि इसमें आप ही का ब्लड लेके आपके प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करके और प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कोलेजन रीमॉडलिंग करेंगे और स्किन की टेक्स्चर को इम्प्रूव करेंगे तो वैम्पायर फेशियल किया जाता है ओपन पोर्स के लिए और बहुत ही शैलो स्कार्स के लिए तो वैम्पायर फेशियल में हम ये करते हैं कि पहले नंबिंग क्रीम लगा देते हैं आपके फेस पर और जैसे ही आपकी स्किन एनेस्थिटाइज हो जाती है तो उसके बाद एक डोमा पेन आपके फेस पर किया जाता है डोमा पेन से दो तीन चीज़ें होंगी एक तो चैनल्स आपके ओपन होंगे डर्मा पेन करने के बाद तो जो भी प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाया जाएगा वो बहुत अच्छा आ, पेनिट्रेट करेगा और दूसरी चीज़ डर्मा पेन अपने आप में बहुत अच्छी कोलाजन री मॉडलिंग करता है तो डर्मा पेन करने के बाद आप ही का ब्लड लेके आपके प्लेटलेट्स को आपके फेस पे लगा के उन्हें इन्फ्यूज़ किया जाएगा और जैसे आपके प्लेटलेट्स पेनिट्रेट करेंगे आ, उन चैनल से जो चैनल्स पेन से बने हैं तो प्लेटलेट्स की वजह से कोलाजन रिमॉडलिंग होके और डर्मा पेन की वजह से कोलाजन रिमॉडलिंग होकर बहुत ही अच्छा ओपन पोर्स आ, आ, में फ़र्क आएगा टेक्स्चर इम्प्रूव होगा और दो तीन सेशंस में ही आप देखेंगे कि स्किन की क्वालिटी अच्छी हो रही है और फाइन लाइंस रिंकल्स कम हो रहे हैं ओपन पोर्स क्लोज हो रहे हैं तो वैम्पायर फेशियल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ओपन पोर्स के लिए और शैलो स्कार्स के लिए अब नेक्स्ट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ओपन पोर्स के लिए ये है ब्लडी मैरी ट्रीटमेंट तो ब्लडी मैरी का नाम ब्लडी मैरी क्यों है तो देखिए इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम फ्रैक्शनल लेजर्स करते हैं और फ्रैक्शनल लेजर्स थोड़े अलग तरह के लेजर्स हैं ये काफ़ी गहरे स्कार्स के लिए ओपन पोर्स के लिए टेक्सचरल इंप्रूवमेंट के लिए फाइन लाइंस के लिए रिंकल्स के लिए करे जाते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल लेजर्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोलेजन बनाने की तो जैसे जैसे कोलेजन बनेगा स्किन फर्म होगी और पोर्स क्लोज होंगे स्किन का टेक्सचर और स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो बहुत ही अच्छा फ़र्क आपको अपने ओपन पोर्स में नज़र आएगा और फ्रैक्शनल लेजर्स के ऊपर भी अगर हम पी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करते हैं जैसे कि मैंने आपको वैम्पायर फेशियल में बताया था तो so रिजल्ट्स और भी एनहांस हो जाते हैं डाउन टाइम भी कम हो जाता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं तो फ्रैक्शनल लेजर्स या ब्लडी मेरी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कोलाजन बनाने के लिए तो फ्रैक्शनल लेजर्स में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि वो एक कॉलम में आपकी स्किन को आ, 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 रेस जाएंगी और वो लेज़र की रेस जब जाएंगी तो उन्हीं कॉलम्स में आ, आपको छोटे डॉट्स नजर आएंगे और वो वहाँ से कोलाजन जब बनना शुरू होगा और आ, सब चैनल्स के बीच में नॉर्मल स्किन होगी तो जब वो कोलाजन बनेगा और कोलाजन एक्टिवेट होगा और आपकी स्किन स्ट्रेंदन होगी फर्म होगी आ, स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर इम्प्रूव होगा तो फ्रैक्शनल लेजर्स स्किन के टेक्सचर इम्प्रूवमेंट के लिए फाइनलाइज रिंकल्स के लिए और ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अब अगर आप बिना डाउन टाइम का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बाद आपके चेहरे पे कोई रेडनेस ना हो तो ऐसे में कार्बन और सिल्क पील में तो कोई रेडनेस नहीं होगी कोई डाउन टाइम नहीं होगा लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट जिसमें रिजल्ट भी अच्छे हैं और डाउन टाइम नहीं है ये है हमारा ऑयल सीज लेज़र तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी है ये नॉन एब्लेटिव लेज़र है इसमें कोई डाउन टाइम नहीं होगा और लेज़र कराने के बाद पोर्स काफ़ी अच्छे क्लोज होंगे और बिल्कुल आप तुरंत अपने काम पे जा सकते हैं स्किन में कोई रेडनेस नहीं होगी और पोर्स भी क्लोज होंगे और धीरे धीरे ये लेज़र कराने से धीरे धीरे आपकी स्किन की ऑयल प्रोडक्शन भी कम होगी तो ऑयल सीज लेज़र एक बहुत अच्छा तरीका है ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए और टेक्सचरल इम्प्रूवमेंट के लिए एक और ट्रीटमेंट जो ओपन पोर्स पे बहुत ही अच्छा काम करता है ये है बोटॉक्स तो बोटलिनम टॉक्सिन आपके आ, पोर्स को क्लोज़ करेगा और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोटलेनम टॉक्सिन को किया जाता है आपके चेहरे पे तो इसमें उसको बहुत अच्छे से डाइल्यूट किया जाता है नॉर्मल डाइल्यूशन से ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद ये बोटॉक्स आपके ओपन पोर्स पर किया जाता है इंजेक्शन और मीज़ो बोटॉक्स से बहुत ही कम क्वान्टिटी में बोटॉक्स आपके फेस पर लगा के आपके ओपन पोर्स को काफ़ी अच्छा क्लोज किया जा सकता है ओपन पोर्ट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और स्किन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं हमारा हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और हेयर से रिलेटेड इंफॉमेटिव कॉन्टेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डी एम सी ट्राइकोलॉजी पर फॉलो कर सकते हैं